हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान इतिहास की क्लास शुरू की गई थी, जिसमें अपनी 13 क्लास है वो दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। 13वीं क्लास में अपन ने पढ़ा था राव मालदेव राठौड़ को, ठीक है। राव मालदेव राठौड़ को दोस्तों मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। आज दोस्तों अपन राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, राव मालदेव के चार पुत्र थे, जिसमें तीसरे नंबर का बेटा था जिसका नाम था राव चंद्रसेन। सबसे बड़े बड़े बेटे का नाम था राम, यानी कि सबसे बड़े बेटे को राजा न बनाकर तीसरे नंबर के बेटे को राजा बनाया था। किसने? राव मालदेव ने। तो दोस्तों, आज अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? राव चंद्रसेन, जिसको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो चंद्रसेन, ठीक है। अब चंद्रसेन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मालदेव के तीसरे नंबर का बेटा था, जिसको मालदेव ने राजा बनाया था। अब देखो दोस्तों आगे, अकबर ने राम की सहायता के लिए जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। चंद्रसेन भाद्राजून जालौर चला गया था। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा ही बड़ा बेटा था मालदेव का, जिसका नाम था राम। अब देखो, राम को राजा न बनाया तो राम ने क्या किया उस समय दोस्तों? अब इसमें देखो कि दिल्ली का शासक कौन था जब मालदेव शासक बना था, ठीक है। उस समय शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी और हुमायूं दोनों रहे थे दोस्तों, ठीक है। और चंद्रसेन जब शासक बना था उस समय अकबर था दिल्ली के अंदर, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर था। तो अकबर के पास चला गया कौन? मालदेव का बड़ा बेटा, जिसका नाम था राम, ठीक है। और अकबर ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके दोस्तों अधिकार कर लिया था जोधपुर पर। और चंद्रसेन है वो वहां से कहाँ चला गया? भाद्राजून, जो जालौर में पड़ता है, वहां पर चला जाता है, ठीक है। अब देखो आगे, चंद्रसेन ने 1570 ईस्वी के अकबर नागौर दरबार में भी भाग लिया, लेकिन वहां पर अपने बड़े भाई उदय सिंह के प्रभाव को देखकर अकबर से मुलाकात नहीं करता है और वहां से वापस चला जाता है। देखो दोस्तों, 1570 का अकबर का नागौर दरबार लगा था, ठीक है, जिसमें समस्त रियासतों के राजाओं को बुलाया गया था अधीनता स्वीकार करने के लिए, ठीक है। इस दरबार में चंद्रसेन गया था, ठीक है, और वहां की स्थिति को अनुकूल न देखकर वहां से दोस्तों वो वापस भाद्राजून आ जाता है, ठीक है। वहां पे उसका बड़ा भाई बैठा था जिसका नाम था उदय सिंह, और उदय सिंह को कौन सी रियासत मालदेव देके गया था? तो वो थी दोस्तों फलोदी, ठीक है, याद रखना। और कौन कौन आया था नागौर दरबार में? तो देखो, जैसलमेर का हरराज भाटी आया था, बीकानेर का कल्याणमल आया था, ठीक है, और उदय सिंह था, ठीक है। ये थे नागौर दरबार में सबसे मैन राजा थे, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन चंद्रसेन क्या करता है कि अकबर से मिले बिना ही वहां से वापस चला जाता है, कहां पर? भाद्राजून, ठीक है। अब देखो, अकबर ने भाद्राजून पर भी आक्रमण कर दिया तो चंद्रसेन सिवाना बाड़मेर चला गया, ठीक है। अकबर क्या करता है कि भाद्राजून पर भी आक्रमण कर देता है और भाद्राजून को अपने अधिकार में ले लेता है, तो चंद्रसेन क्या करता है कि वहां से भाग कर कहां चला जाता है? सिवाना बाड़मेर। अब सिवाना बाड़मेर क्यों इंपॉर्टेंट है? सिवाना बाड़मेर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राठौड़ों की जो शरण स्थली है वो दोस्तों सिवाना बाड़मेर है, ठीक है। तो वो वहां चला गया था, मालदेव भी भागकर यहीं गया था, ठीक है। अब आगे देखो, चंद्रसेन ने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। चंद्रसेन ने क्या किया था? अपने आजीवन यानी कि जिंदगी में कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और 1581 में सारण की पहाड़ियों में सिचियाई नामक गांव पाली में चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, याद रखना। देखो, चंद्रसेन की मृत्यु है वो कब हुई थी? तो 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हुई थी। कहां पर? तो सारण की पहाड़ियां, ठीक है, सारण की पहाड़ियां और
सिचियाई नामक गांव, सिचियाई नाम का एक गांव था पाली के अंदर, वहां पर दोस्तों चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, देखो डूंगरपुर के राजा आस्करण के पास शरण ली थी किसने, चंद्रसेन ने पहले। ठीक है, बादराजून के बाद में शिवाना चला गया और शिवाना के बाद में दोस्तों चंद्रसेन ने डूंगरपुर के राजा आस्करण के पास में शरण ली थी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों सारण की पहाड़ियों में रहा था ये, और वहीं पे ही चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब देखो आगे, देखो जहां पे इसकी समाधि बनी हुई है वहां पर दोस्तों उल्लेख मिलता है कि वहां पर चंद्रसेन व उसके साथ सती हुई पांच रानियों के स्मारक है। ठीक है, जहां पर चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है वहां पर दोस्तों चंद्रसेन के साथ सती हुई पांच रानियों के स्मारक भी वहां पर है। चंद्रसेन को दोस्तों मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, और चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना। देखो महाराणा प्रताप का जब राज्य तिलक हुआ था तब चंद्रसेन भी वहां पर उपस्थित था। ठीक है, अब आगे देखो, देखो चंद्रसेन की उपाधि, उपाधि में देखो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, तो चंद्रसेन को कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी तो कौन है, चंद्रसेन। अब देखो क्यों, क्योंकि प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप से पहले लड़ना आरंभ कर देता है, जैसे छापामार युद्ध पद्धति से लड़ना। ठीक है, तो ये प्रताप ने यानी कि महाराणा प्रताप ने बाद में किया था, पहले चंद्रसेन ने ये लड़ना शुरू किया था, इसलिए प्रताप का अग्रगामी कहते हैं किसे, महाराणा प्रताप, सॉरी चंद्रसेन को। ठीक है, प्रताप का अग्रगामी किसे कहते हैं, चंद्रसेन को। देखो मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, तो मारवाड़ का भूला बिसरा राजा मतलब क्योंकि आने वाले राजा ने उसे कभी याद नहीं किया, इसलिए दोस्तों मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है किसे, चंद्रसेन को। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में जो राजा बनते हैं उन्होंने कभी चंद्रसेन को याद नहीं किया, इसीलिए मारवाड़ का भूला बिसरा राजा है वो किसे कहा जाता है, चंद्रसेन को। ठीक है, अब आगे देखो दोस्तों, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना है। देखो अकबर ने 1572 से 74 के दौरान बीकानेर के राय सिंह, ठीक है, ये कल्याणमल का बेटा था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जैत्र सिंह की हत्या कर दी थी किसने, मालदेव ने, और कल्याणमल और मेड़ता का वीरमदेव ये दोनों मिलके किसके पास चले गए थे, शेर शाह सूरी के पास में। ठीक है, और फिर आप सभी को पता है गिरी सुमेल का युद्ध होता है। ठीक है, और ये कल्याणमल का बेटा है राय सिंह, ठीक है, जो बीकानेर का शासक आगे जाके बनता है। तो दोस्तों अकबर ने 1572 से 74 के दौरान बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। ठीक है, तथा इसके बाद जोधपुर को खालसा कर दिया। अब देखो खालसा क्या होता है, खालसा वह होता है कि वह भूमि जो सीधे केंद्र के अधीन होती है, जैसे अभी मैं बता दूं कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जैसे लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, तो दोस्तों लद्दाख है वो डायरेक्ट केंद्र के अधीन है, ना कि राज्य के अधीन है। ठीक है, ऐसे ही वहां पे जोधपुर को या मान लो कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था कि वह भूमि जो सीधे केंद्र के अधीन होती थी, यानी कि जो भी निर्णय लेता था वो अकबर स्वयं लेता था। ठीक है, याद रखना। देखो मैंने आप बताया था जैतसी, और जैतसी की हत्या कर दी थी किसने, तो राव मालदेव ने। ठीक है, पाहेबा का युद्ध में, और जैतसी का बेटा था कल्याणमल, और कल्याणमल का बेटा था राय सिंह। ठीक है, अब आगे देखो, चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को, चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को 1583 में जोधपुर का राजा बनाया। ठीक है, उदय सिंह अकबर का करीबी था। ठीक है, उदय सिंह अकबर का करीबी था, इसीलिए चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को राजा बनाया गया। देखो जब मालदेव ने चंद्रसेन को राजा बनाया था तब उदय सिंह को कौन सी जागीर दी गई थी या कौन सी रियासत दी गई थी, तो वो फड़ोदी रियासत थी। ठीक है, याद रखना। अब देखो चंद्रसेन व प्रताप में समानताएं क्या है, यानी कि चंद्रसेन व महाराणा प्रताप के बीच में जो समानता है वो क्या है, तो देखो दोनों ने ही अकबर की अधीनता स्वीकार
नहीं की, दोनों ने ही अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, दोनों ने ही छापामार यानी कि गुरिल्ला वार युद्ध प्रणाली से संघर्ष किया था, ठीक है, दोनों को ही अपने भाइयों का विरोध का सामना करना पड़ा था, ठीक है। आप सभी को पता है कि महाराणा प्रताप का भी यही सीन था और चंद्रसेन का भी यही सीन था, ठीक है। देखो जैसे प्रताप को जगमाल का तथा चंद्रसेन को राम व उदय सिंह का था, देखो प्रताप ने क्या किया था कि जब महाराणा प्रताप उदय सिंह, ठीक है, उदय सिंह को जब उदय सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो जब उनको जलाने के लिए लेके जाते हैं कहाँ पर, तो वो लेके जाते हैं शमशान में, ठीक है, तो जहाँ पर उदय सिंह को जलाया जा रहा था, ठीक है, वहीं पर प्रताप का जो साथी सरदार थे उन्होंने वहीं पर राज तिलक कर दिया था, ठीक है। और साथ ही उनका जो बड़ा भाई था जिसका नाम था जगमाल, जगमाल का क्या हुआ, जगमाल ने राज्य के अंदर यानी कि राज सिंहासन बैठकर अपना राज्याभिषेक वहीं करवा लिया था, ठीक है, यानी कि एक ही जगह, एक ही राज्य में दो जगह दोस्तों क्या हुए थे, राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, प्रताप का हुआ था राज्य के बाहर यानी कि शमशान वाले स्थान पर और गोगुंदा में, और जगमाल का कुंभलगढ़ किले में हुआ था, ठीक है। सेम टू सेम ऐसा ही चंद्रसेन के साथ में हुआ, ठीक है, चंद्रसेन को, चंद्रसेन तीसरे नंबर का राजा बेटा था, ठीक है, तो मालदेव ने चंद्रसेन को राजा बनाया, उदय सिंह और राम सिंह को नहीं बनाया, ठीक है, और ये इसके खिलाफ थे और जगमाल भी प्रताप के खिलाफ था, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आगे, दोनों को ही अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी थी, दोनों को ही अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी थी, बिल्कुल सही है। जैसे प्रताप ने 56 के मैदान में माही नदी पर शरण ली थी, ठीक है, और चंद्रसेन ने डूंगरपुर के राजा आसकरण के पास में शरण ली थी, ठीक है, दोनों ने ही अपने राज्य के बाहर शरण ली थी, ठीक है। दोनों के अधिकतर राज्य पर अकबर ने अधिकार कर लिया था, ठीक है, दोनों के अधिकतर राज्य पर अकबर ने अधिकार कर लिया था, बिल्कुल सही है। केवल थोड़ी सी भूमि के बल पर अकबर से लड़ाई करते रहे दोनों के दोनों, अकबर ने भी, सॉरी महाराणा प्रताप ने भी ऐसा ही किया था और चंद्रसेन ने भी ऐसा ही किया था, ठीक है। अब आगे देखो, इन दोनों के बीच में असमानताएं क्या है, यानी कि डिफरेंट क्या है इन दोनों में, क्या डिफरेंट है, असमानताएं क्या है वो देखो। तो देखो प्रताप का मुगल विरोध उसके राज तिलक के साथ शुरू हो गया था, प्रताप का जो मुगल विरोध है वो उसके राज तिलक के साथ में शुरू हो गया था, और चंद्रसेन का मुगल विरोध नागौर दरबार के बाद में शुरू हुआ था, यानी कि 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, बिना मिले अकबर से लौट आया था और बादराजून चला गया था, ठीक है, और बादराजून पे भी बाद में अकबर ने आक्रमण कर दिया था, वहां से वो भाग के सिवाना चला गया था और सिवाना से फिर डूंगरपुर चला गया था, ठीक है। तो दोनों के बीच में असमानता यह है कि प्रताप का विरोध है वो दोस्तों उसके राज तिलक के साथ में ही शुरू हो गया था मुगल विरोध, ठीक है, और चंद्रसेन का 1570 में नागौर दरबार लगा था उसके बाद में विरोध शुरू हुआ था, ठीक है। अब आगे देखो, प्रताप का मुगल विरोध उसकी मृत्यु के बाद भी जारी रहा, जबकि चंद्रसेन का मुगल विरोध उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया था। तो सीधा सा है कि भाई प्रताप की मृत्यु के बाद में जब शासक बनता है कौन, तो अमर सिंह शासक बनता है, ठीक है, और फिर बाद में दोस्तों अकबर और जहांगीर के मध्य दोस्तों 1615 के अंदर संधि हो जाती है, आप सभी को पता है, ठीक है, दोनों के मध्य संधि हो जाती है, और प्रताप की मृत्यु के बाद भी संघर्ष चला था, कम से कम भी देखो 18 साल तक संघर्ष चला था मुगलों के साथ में, ठीक है, फिर 1615 में संधि हुई थी। और चंद्रसेन का देखो जो मुगल विरोध है वो उसकी मृत्यु के साथ में ही समाप्त हो गया था, क्योंकि उसका बड़ा भाई उदय सिंह और राम सिंह ये दोनों अकबर की अधीनता पहले ही स्वीकार कर चुके थे, ठीक है। आगे देखो, प्रताप ने अकबर से हल्दीघाटी तथा दिवेर का युद्ध जैसे आमने सामने कई युद्ध किए थे, जबकि चंद्रसेन आमने सामने की लड़ाई का साहस नहीं कर पाया, ठीक है। तो देखो
महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी का युद्ध और दिवेर के युद्ध दो बड़े, इसके साथ में कई अन्य युद्ध भी किए थे, ठीक है, अकबर के सामने। और चंद्रसेन है, इसने कोई युद्ध किया नहीं इतना बड़ा, क्योंकि इसके पास सेना नहीं थी, क्योंकि अलग अलग भागों में बंट चुका था। चार भाई थे जिसमें से तीन को अलग अलग और रियासत दे दी गई थी, और जिसमें से बाकी के थे वो अकबर के पास में पहले ही चले गए थे, ठीक है, इसलिए वो साहस नहीं कर पाया था अकबर के खिलाफ युद्ध करने के लिए। अब देखो आगे, प्रताप अकबर के खिलाफ संघर्ष में स्थानीय लोगों को भी अपने साथ जोड़ता है, तथा जन्मे राष्ट्रवाद यानी कि उनमें राष्ट्रवाद की भावना को जगाता है, जबकि चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाया था। आप सभी को पता है कि महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ स्थानीय लोगों को भी अपने साथ में जोड़ता है और उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाता है, और चंद्रसेन है वो ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है। अब देखो, इन असमानताओं के बावजूद चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जा सकता है, क्योंकि पहले तो प्रताप की तुलना में उसकी भौगोलिक परिस्थितियां प्रतिकूल थी, क्योंकि मेवाड़ के पर्वतीय भागों की अपेक्षा मारवाड़ के मैदानी मरुस्थल में छापामार युद्ध करना कठिन था, ठीक है। सीधा सा है कि मेवाड़ में आप सभी को पता है कि काफ़ी सारी पहाड़ियां हैं, ठीक है, उदयपुर के आसपास क्षेत्र में, और मारवाड़ में क्या है, मरुस्थल है और क्या है, ठीक है। तो मेवाड़ के अंदर तो दोस्तों पहाड़ियों की वजह से छापामार युद्ध पद्धति है वो आसानी से की जा सकती थी, ठीक है, लेकिन मरुस्थल में कैसे करें, वहां तो कोई पहाड़ थे ही नहीं, ठीक है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इसीलिए चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। देखो दूसरा, दूसरी तरफ प्रताप को जहां भामाशाह व तारातंद, ठीक है, दूसरी तरफ प्रताप को जहां भामाशाह व ताराचंद जैसे दानवीर साथी मिल गए थे, वहीं चंद्रसेन को शुरू से लेकर अंत तक जनधन की कमी महसूस होती रही थी, ठीक है। महाराणा प्रताप को भामाशाह और ताराचंद जैसे दानवीर मिल गए थे, ठीक है, जिन्होंने काफ़ी सहायता की थी प्रताप की, लेकिन चंद्रसेन को ऐसा कोई नहीं मिला था जो उसकी आर्थिक सहायता कर सके, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो, नागौर दरबार के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। नागौर दरबार क्या था, तो अकबर का नागौर दरबार कब लगा था, तो 1570 में नागौर दरबार लगा था। तो देखो 1570 ईस्वी में अकबर ने अकाल राहत कार्यों के उद्देश्य से राजस्थान के सभी राजाओं को नागौर बुलाया, लेकिन अकबर का वास्तविक उद्देश्य राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना था। उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था अकबर का, अकबर का उद्देश्य यही था कि राजस्थान के जो राजपूत राजा थे उनको अपने अधीन करना था, लेकिन बहाना क्या बनाया, बहाना था अकाल राहत कार्यों के उद्देश्य से इन राजाओं को बुलाया गया था 1570 में, ठीक है। इसमें जैसलमेर के हर राज भाटी, ठीक है, जैसलमेर का राजा था, और कल्याणमल जो बीकानेर का राजा था, उदय सिंह जो चंद्रसेन का भाई था, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ये सभी है, ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब देखो आगे, चंद्रसेन भी इस दरबार में आया था, लेकिन अपने भाई उदय सिंह का प्रभाव देखकर अकबर से बिना मिले ही वापस चला जाता है। अकबर से बिना मिले ही वापस चला जाता है कौन, तो चंद्रसेन, ठीक है। आगे देखो, नागौर दरबार का महत्व क्या है। नंबर एक देखो, इसमें अकबर ने कूटनीति के माध्यम से राजस्थान के राजाओं की अधीनता स्वीकार करवाई, ठीक है। नंबर एक कारण नागौर दरबार का महत्व क्या था, कि अकबर ने अपनी कूटनीति के अनुसार दोस्तों राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। इस दरबार के बाद राजस्थान के राजा स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित हो गए थे, एक मुगल विरोधी और एक मुगल सहयोगी, ठीक है। तो दोस्तों टूट फूट पड़ गई थी, सीधी सी बात है। आगे देखो, राजस्थान के राजाओं की व्यक्तिगत वीरता व स्वतंत्रता की भावना कम हुई, अब प्रताप व चंद्रसेन को छोड़कर मानसिंह जो जयपुर के शासक थे, राय सिंह जो बीकानेर के शासक थे, उदय सिंह जो जोधपुर के शासक थे, ठीक है, मुगल आश्रित राजाओं की श्रृंखला प्रारंभ हो गई थी।
ठीक है। तो ये बड़े बड़े राजा थे, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार पहले ही कर ली थी। अब आगे देखो, राजस्थान में शांति व्यवस्था स्थापित हुई तथा इसके यानी कि इससे कलात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला था। ठीक है, जैसे ही 1615 में जैसे मेवाड़ में संधि हो गई थी, ठीक है, उसके बाद में अमर सिंह के काल में जो चित्रकला का विकास हुआ था, स्वर्ण काल कहा जाता है अमर सिंह के काल को, तो दोस्तों ये उसके बाद में जो शांति की व्यवस्था है वो स्थापित हो गई थी। उसके बाद में इतना कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई, उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी लड़ाई कर ली थी, अकबर ने काफ़ी लड़ाई कर ली थी, ठीक है, बाबर ने काफ़ी लड़ाई कर ली थी, लेकिन उसके बाद में कोई इतनी बड़ी घटना नहीं हुई। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको चंद्रसेन, और आप, मैं गारंटी करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है ना, तो दोस्तों इस वीडियो को तो आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते, चंद्रसेन को नहीं भूल सकते, चंद्रसेन के भाइयों के बारे में नहीं भूल सकते, अकबर का नागौर दरबार नहीं भूल सकते, ठीक है, क्यों लगाया था, कैसे लगाया था, क्या समानता है चंद्रसेन और महाराणा प्रताप के बीच में, संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है। तो दोस्तों लाइक का बटन दबाएं, और वीडियो के नीचे लाइक का बटन होगा, सब चैनल का सब्सक्राइब का बटन वहां पे दिख जाएगा रेड कलर का। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल यानी कि दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।